कली में तुम सम देवना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज 4th दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज 4th दिन जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें, 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रगट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो माँ हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो। माँ माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5ों दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा, दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो अंडा आपने पानी का भरा हुआ है, तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज, 4th दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए, 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो, थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए, बाबा से निवेदन। महाराज हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं, ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, 4th दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे, और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे, कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर